हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के सेशन में हम लोग ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्लास टेंथ का ये टॉपिक है, एक्सरसाइज 9.1 में जो शेष क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में 9.1 में हमने एक दो क्वेश्चंस आपको बताया था, उसी के क्रम में हम लोग आज शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज 9.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 8 ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रफ आइडिया बनाते हैं, एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। और इसमें समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है तो 90 उसका कोण भी दिखाना जरूरी है। सवाल कह रहा है जिसमें भुजाएं कर्ण को छोड़कर 5 तथा 4 हैं। कर्ण को छोड़ दिया जाए तो एक भुजा 5 दी गई है, कोई दूसरी भुजा 4 दी गई है। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है, इसी के समरूप हमको एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है। इसका नाम हम A1 B1 C1 कुछ रख लेते हैं, जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की 5 5 1 3 टाइम है, यानी इसका रेशियो जो है 5/3 है। तो ये ऊपर वाला हम लोग ये मानते हैं, नीचे वाला हमको कंस्ट्रक्शन करना है। जो दिया जाता है ऊपर वाला मानते हैं, यानी इसकी भुजाएं 5 5 के अनुपात में आएंगी, जबकि इसकी भुजा नीचे वाला 3 3 के अनुपात में आएंगी। कहने का मतलब ये छोटा बनेगा, ये हमारा बड़ा। तो पहले हम अपने सवाल को बनाते हैं जो हमें गिवेन है, फिर हम इसकी रचना करेंगे। आइए, ये एंगल 90 डिग्री है और ये भुजा 4, ये भुजा 5 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आधार को ही ड्रा करते हैं। जब भी हमको निकालना होता है तो आधार से ही कहानी शुरू करते हैं। मैं लिख रहा हूँ रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले आधार BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सर्वप्रथम कहानी यहीं से शुरू होगी, तो हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर। पहले मैं इसको 5 मान लेता हूँ, नीचे वाले को बड़ा मानना अच्छा रहता है, इसको 4 मान लेता हूँ, क्योंकि कोई नियम नहीं है, बस आधार लंबे से 4 5 मानना है। तो सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा। तो हम खींचते भी चल रहे हैं, लिखते भी चल रहे हैं, पहला काम हो गया। तो आइए पहले काम की शुरुआत भी कर लें। रफ आइडिया आप छोटा सा ऐसे बना के रख देंगे ताकि ये सब आपके दिमाग में पिनअप करेगा, हमेशा आप गलत होने का चांस नहीं रहता। एक रफ आइडिया हम ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे, 5 सेंटीमीटर। नाम इसको दे देंगे BC, ये हमारा B है और ये C है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, देखिए ये चूंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ से बी को केंद्र मान करके एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। 90 डिग्री आप लोग जानते हैं बनाना कैसे बनाया जाता है, ऐसे एक चाप लगाते हैं और जो चाप होता है उससे कटिंग करते हैं, फिर एक दूसरी कटिंग करते हैं, दो कटिंग जब मिल जाता है तो इस कटिंग से आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर ऐसे दो चाप लगाते हैं, ऐसे चाप लगाते हैं। तो ये जो चाप यहाँ से मिलाते हैं ऐसे, ये 90 डिग्री हमको ऐसे मिल जाते हैं। चलिए 90 डिग्री का एंगल मिल गया हमको। अब यहाँ से देखें तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आप इंच पट्टी पर नाप करके ऐसे काट लेंगे, जहाँ कटिंग होगा उसी को ये मान लेंगे और इंच पट्टी से इसको मिला देंगे। तो जो जो मैं काम किया हूँ मैं लिख देता हूँ, पहले तो BC हो गया, अब लिखेंगे पुनः बिंदु B को केंद्र मानकर। बीजा कोण बनाते हैं तो एक लिखने का ढंग होता है केंद्र मानकर, कहाँ से बनाए हैं बी पर, तो बी को एक केंद्र मान के एक चाप खींचा गया, क्योंकि ये एक सर्कल बन जाता है, पूरा खींच दिया जाता है, इसीलिए केंद्र की बात करते हैं। पुनः बिंदु बी को केंद्र मानकर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण ले लेते हैं, AX किरण खींचा, चलिए AX हमने खींच लिया नंबर 3। अब क्या किया है,
यहाँ से 4 सेंटीमीटर काटे हैं, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो कहेंगे बिंदु B को केंद्र मान करके किरण, ये किरण AX नहीं है, BX है, AX नहीं है, BX है, BX किरण पूछा, BX। तो अब कहेंगे बिंदु B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर किरण DX में, किरण DX में 4 सेंटीमीटर का चाप, 4 सेंटीमीटर का चाप A काट लिया, चाप काटा जो, ऐसे भी लिख दिया जो DX को A पर काटता है, A पर काटता है। चलिए अब नंबर 4 में लिख देंगे AC को मिलाया, AC को मिलाया। तो इस प्रकार अभी तो हम त्रिभुज की रचना किए, यानी अभी हमारा प्रश्न का त्रिभुज बन गया। अब आइए इसके अकॉर्डिंग हम लोग खींचते हैं, जो हमारा नियम है 513 रेशियो का ट्रायंगल हमको खींचना है। अब देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया था कैसे करते हैं, जब त्रिभुज बन जाता है तो यहाँ आधार से बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण लेंगे, नाम रख दिया जाए कोई बी वाई किरण, और हमारा सवाल 513 के रेशियो में है, तो ध्यान दीजिए इन दोनों में देखते हैं बड़ा कौन है, तो बड़ा हमारा है 5 और छोटा है 3, तो जो बड़ा होता है उतना ही कटिंग इसमें काटते हैं, हमेशा बड़ा, चाहे ऊपर लिखा हो चाहे नीचे लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, बड़ा हम लोग खंड बनाते हैं। तो 5 खंड बनाएंगे इसमें बराबर बराबर, ऐसे इंच पट्टी से काटते रहते हैं, 2 3 4 5, तो ऐसे हम लोग काट लेते हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया। पहले को क्या मानते हैं x1, दूसरे को x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5। अब देखिए जो 513 का रेशियो है उसमें ऊपर वाला 5 है, तो 5 हमारा इसके अकॉर्डिंग 5 वाला है, तो हम क्या करेंगे 5 को इसके किनारे से मिला लेंगे, ताकि पता चले कि ये 5 के रेशियो में है, 5 का रेशियो है, सही बात है 5 का रेशियो। अब हमको जो बनाना है वो 3 के रेशियो में बनाना है, तो 1 2 3 नंबर बनाते हैं और यहाँ एक चाप लगाएंगे, यही चाप क्या लगाएंगे, इसको नाप के इसमें काटेंगे, तो इसके पैरेलल जब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो हमको इसके पैरेलल रेखा मिल जाएगी, किसके पैरेलल, x5c के पैरेलल। ये हमने एक ऐसे किरण खींचा, इसको नाम दे देते हैं किरण AX3R खींचा, जो BC को C डैश पर काटता है, BC को कहाँ काट दिया, C डैश पर काट दिया। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे इसको लिख दिया। चलिए अब एक चाप यहाँ लगाते हैं, कोई भी रेडियस लेकर के, फिर एक चाप यहाँ लगाते हैं, इसको नापेंगे, इसमें कटिंग करेंगे, और फिर इसको इससे जब मिलाएंगे तो इसके पैरेलल हमको ऐसे रेखा मिल जाती है, ऐसे। तो ये XA के पैरेलल बिंदु C डैश से, XA के पैरेलल हमने क्या खींच लिया, तो नाम दे दिया जाए C डैश और S खींच लिया, C डैश S, जो BA को A डैश पर काटता है, BA को कहाँ काटता है, पहले ही काट दिया, हमको बढ़ाना नहीं पड़ा, ए डैश पर काटता है, ये छोटा सा त्रिभुज मिला ए डैश बी और सी डैश, यही हमारा ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा, 513 रेशियो वाला। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा तब एक ऐसे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएँ दिए गए समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/2 है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है, तो मैं एक छोटा सा रफ आइडिया बना देता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, आप कहानी जानते हैं, दो भुजा बराबर होती है, ये दिया भी है, इसका आधार 8 सेंटीमीटर, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आधार को BC मान लिया जा रहा है 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई का मतलब यहाँ से लंब डाल दिया है, तो लंब को ही ऊंचाई भी कहते हैं, चाहे लंब कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो ये ट्रायंगल हमको रचना करनी है और इसके सिमिलर एक दूसरा ट्रायंगल बनाना है जिसकी भुजा 3/2
संगत भुजाओं की 3/2 गुनी है, 3/2 गुनी बनानी है उनको। इसमें 3/2 गुनी शब्द यूज कर लिया, ध्यान दीजिएगा, 3/2 नहीं, 3/2 गुनी। तो 3/2 गुनी पर ध्यान देना आपको, इसके पहले जितना दिया सवाल उसमें कहीं गुनी शब्द नहीं थी, सिर्फ संगत भुजा की 3/5। तो संगत भुजाओं की 3, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे गुना कहे या न कहे बात वही होता है। हम 3/5 इसका 3/2 कहें चाहे 3/2 गुनी कहें, एक ही चीज़ होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रा करते हैं, रचना के चरण। रचना के चरण में नंबर एक बात करेंगे, सर्वप्रथम आधार BC 8 सेंटीमीटर खींचा, मैं बना देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग बना लेते हैं। सबसे पहले BC आप 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे, खींच लिया हमने। उसके बाद चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में कहानी क्या होती है, ये भुजा भुजा बराबर होनी है, और ये लंब बीचों बीच में आता, मैं कई बार डिस्कस भी किया हूँ कि लंब और मध्यिका समान होती है। अभी पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस भी किया था कि दो तरह के त्रिभुज, या तो समबाहु हो समबाहु, यानी तीनों भुजा बराबर, इसका ऊंचाई और मध्यिका एक ही होता है, फिर समद्विबाहु में भी ऐसा होता है, विषमबाहु में नहीं होता। लेकिन हमने चर्चा भी किया था कि विषमबाहु त्रिभुज अगर बना दिया जाए तो जब लंब डालेंगे तो ये आधा आधा नहीं होता, लंबा हो जाता है छोटा हो जाता है। इसमें लंब डालेंगे तो ये दूरी बराबर हो जाएगी, इसमें भी लंब डालने पर ये दूरी बराबर हो जाती है। तो ऐसी कहानी चलती है दो त्रिभुजों में, समद्विबाहु में समबाहु में, तो ये चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो अब देखिए ये दूरी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, आप हम तो ये जान गए कि ये मध्यिका बनेगी, ये डी पॉइंट बीचों बीच में होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसका अर्धक पहले करते हैं। मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे इसका रचना कर, पहले इसका हम लोग अर्धक बनाएंगे। अर्धक से क्या फ़ायदा होगा, मिडिल पॉइंट मिलता है, यानी जब भी किसी रेखाखंड का मिडिल पॉइंट निकालना हो तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं उसका लंबार्धक कर देते हैं, लंब समद्विभाजक इसको बोलते हैं, मिडिल पॉइंट मिल गया। और इसी पर ये जो लंब समद्विभाजक हुआ, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर अब लंबा करके बढ़ा लेंगे, केवल ऊपर नीचे नहीं, इसमें हम 4 सेंटीमीटर से कट कर देते हैं, नाप लेंगे, एक छाप लगा देंगे बिंदु डी को केंद्र मान करके, इसको एक नाम देंगे एक्स वाई रेखा, और इस एक्स वाई रेखा में डी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का एक छाप काट लेंगे, जहाँ काटेगा वही ये पॉइंट बन गया, और इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, तो ऑटोमेटिकली समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब नापेंगे अभी तो ये दूरी ऑटोमेटिकली बराबर आएगी, क्योंकि ये 90-90 है, लंब समद्विभाजक के 90-90 करता है इसको, आए दोनों में है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे उस दशा में, और ये ऑटोमेटिक बराबर होगा बिना कुछ किए, ये सब सिस्टम है। चलिए, तो त्रिभुज आप बना लेंगे, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले रेखाखंड BC 8 सेंटीमीटर का खींचा, BC का लंब समद्विभाजन किया, जो BC को D पर काटता है, BC का लंब समद्विभाजन करते हुए एक रेखा एक्स वाई खींचा, इसको लिखेंगे एक रेखा एक्स वाई खींचा जो BC को D पर काटता है, पुनः बिंदु D को केंद्र मान करके रेखा एक्स वाई में 4 सेंटीमीटर का एक चाप A काट लिया, फिर लिखेंगे A से B को, A से C को मिला दिया, तो ये तो कहानी हमारी त्रिभुज बन गई। अब 3/2 के रेशियो में हमको बनाना है, तो ऊपर हमारी कहानी होगी ये 3 के रेशियो में, ऊपर वाला 3 के रेशियो बन गया, 2 के रेशियो हमको बनानी है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। अब यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचते हैं, कोई नाम दे दिया जाए, BL किरण, कितना भाग बनाएंगे, बड़ा वाला, बड़ा 3 है, 2 छोटा है, तो बड़ा भाग बनाते हैं, यह 3 के अनुपात में है, इसको X3 नाम देंगे, इसको X2 नाम देंगे, इसको X3 को C से मिला देंगे, पहला काम हो जाता है। फिर 2 के अकॉर्डिंग हमको बनानी है, तो यहाँ से यहाँ एक चाप लगाएंगे, फिर चाप लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से काटेंगे, तो इसके पहला एक लाइन मिल जाएगी हमको, C- मान लेंगे इसको, फिर इस ये जो चाप है, चाप यहाँ लगाएंगे, चाप यहाँ लगाएंगे, फिर इसको नापेंगे, इसमें काटेंगे, फिर यहाँ से इसके पैरल खींचेंगे, तो ये BA को A- पर काटता है, ये छोटा सा जो त्रिभुज बना यही हमारा ट्रायंगल होगा A- BC- जो इस वाले ट्रायंगल का 3/2
एक करेस्पॉन्डिंग साइड मिलेगा। तो ये हमारा रचना हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। सवाल है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6, AB 5। तो पहले एक रफ आइडिया बना लिया जाए, इसको ये मान लिया जाए, इसको बी, इसको सी, ये BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और एंगल दिया हुआ है ABC 60 डिग्री। तो देखिए बीच में B है तो B वाला 60 डिग्री होगा, ये दिया हुआ है। तब ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 भाग। तो 3/4 भाग के हिसाब से हम लोगों को बनाना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ट्रायंगल बना दिया जाए। सब सर्वप्रथम हम लोग आधार BC खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का, तो ये आप समझ ही रहे हैं 6 सेंटीमीटर का। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे चाप लगाते हैं, चूँकि हमको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 60 डिग्री का एंगल बनाने का नियम होता है कि चाप जो लगाते हैं वो चाप फिलर ना हो, यहाँ से एक कटिंग लगाइए, वन कटिंग। जो पहला कटिंग होता है 60 का होता ही है, जो कटिंग लगता है 1 इंच पट्टी मिला देंगे। तो एक 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण BX हमने खींच लिया। अब जो है बी से ए का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं इंच स्केल पर और 5 सेंटीमीटर का एक कटिंग लगा देंगे। जहाँ कटिंग लगेगा वही कटिंग ये हो गया। फिर ए से सी को मिला देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ट्रायंगल तैयार हो गया। अब बाकी कहानी आप समझ ही रहे हैं, 3/4 का रेशियो। फिर यहाँ से एक किरण लेंगे BL, बड़ा इसमें 4 है तो 4 का भाग बनाएंगे बराबर। क्या मान लेते हैं इसको X1, X2, X3 और X4। फिर अंतिम को अंतिम से मिला देते हैं, अंतिम को C से मिला दिए। अब जो बनाना है, सॉरी ऊपर वाला हमारा होता है ना, तो 3 के हिसाब से इसको मिलाएंगे, हमने गलत कर दिया। ऊपर वाला जो राशि होता है वो हमारा प्रश्न होता है और नीचे वाला हम लोग बनाते हैं। तो चूँकि ऊपर 3 वाला दिया है तो 3 को मिलाएंगे इसको, क्योंकि जो बना वो 3 के अकॉर्डिंग बनेगा। अब हमको 4 के अकॉर्डिंग बनाना है, तो हमारा ये जो 4 वाला कटिंग है, अब यहाँ एक चाप लगाएंगे, यही चाप यहाँ लगाएंगे, इसको नापेंगे और इसको नाप के इसमें कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद इसको मिला करके जब आगे बढ़ाते हैं तो एक नाम इसको दे दिया जाता है, कोई नाम दे दिया जाए, इसको नाम देते हैं X4R नाम देते हैं। एक किरण हमने खींच लिया। फिर BC को आगे बढ़ाया, जो X4R को C' पर काटता है, X4R को C' पर काटता है। चलिए अब एक चाप यहाँ लगाते हैं, फिर यही चाप यहाँ लगाएंगे, इसको नापेंगे और इसमें फिर कटिंग लगाएंगे। तो फिर कटिंग जब लगाते हैं तो ये हमारा फिर एक इसके पैरेलल रेखा मिल जाता है, CA के पैरेलल हमको मिल गया। CA कुछ नाम दे रहा, कौन सा किरण नाम दे दिया जाए, कुछ ऐसे लिख दिया जाए C' S, जो BA जो BX को किस में काट रहा है, A' पर काट रहा है। तो ये हमारा जो बड़ा सा ट्रायंगल बन गया A' B और C', यही ट्रायंगल हमको बनाना था। इसके बाद अगला टर्म हम लोग देखते हैं, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो आइए हमको करना क्या है, वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाना है। कंडीशन हमारा है वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो देखिए हम मान लेंगे कि यह एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसका सेंटर ओ है। सेंटर ओ मान के चलेंगे क्योंकि कह रहा है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो हम दिया है हमें लिख देंगे, दिया है या ज्ञात है, क्या लिखेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र वो है, केंद्र की चर्चा जरूर कर लेंगे, जिसका केंद्र वो है। करना क्या हमको, यहाँ लिखेंगे रचना करनी है। किस बात की रचना करनी है, रचना करनी है तो कहेंगे वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की। वृत्त पर एक पॉइंट ले लेंगे P, कहीं भी ले सकते हैं,
वृत्त के बिंदु P पर, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा की, ये स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब रचना के चरण हम लोग लिखते हैं, कैसे इस काम को करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी भाषा में हम लोग लिख देते हैं। तो आइए, सबसे पहला काम कर देंगे, वो केंद्र वाला वृत्त खींचा, जो भी रेडियस रहेगी, सवाल आता है तो हम लोग रेडियस की भी चर्चा कर लेते हैं। वो केंद्र वाला वृत्त बनाया चाह खींचा, वृत्त बनाया, पहला काम हो गया। दूसरा काम, वृत्त पर बिंदु P लिया, वृत्त पर एक बिंदु P लिया, कहीं ले सकते हैं, तीसरा काम OP को मिलाया, O से P को मिला देते हैं, तीन काम हो गया, OP को मिलाया, नंबर 4 बिंदु P को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा XPY खींचा, कौन सी रेखा, XPY, कितना अंश का कोण बनाती हुई, 90 अंश का कोण बनाती हुई। तो कहते हैं बिंदु P को केंद्र मानकर OP के साथ, किसके साथ, OP के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा XY, यानी जो रेखा XY है वो OP के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। तो यही हम लोग लिख देते हैं, OP के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा XY खींचा। अब लिख देते हैं लाइन चेंज करके, यही रेखा XY ही वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, इति कृतम, मतलब रचना हो गया, इति कृतम। तो इसको आप लोग नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक सिंपली हमको 90 अंश का कोण बना देना है, जो सब लोग जानते हैं बनाना। ये दूसरा हमारा आइटम है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना जब वृत्त का केंद्र अज्ञात हो। अज्ञात पर ध्यान दीजिएगा, यानी वृत्त का सेंटर मालूम नहीं है। तो हमारा प्रश्न ये है, ये कोई वृत्त है, वृत्त का सेंटर पता नहीं है, बिंदी हम नहीं लगाएंगे ना, वो मानेंगे, लेकिन बिना सेंटर के मदद लिए, यानी बिना सेंटर पता हुए, केंद्र अज्ञात होने की दशा में इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो क्या करते हैं, दिया में क्या लिखेंगे, एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र मालूम नहीं है, वृत्त तो है, एक वृत्त है जिसका केंद्र मालूम नहीं है, जिसका केंद्र ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, ये चीज हमें गिवन है। चलिए रचना करनी है, वृत्त के बिंदु P पर कोई पॉइंट ले लिया जाए, P, इसी P पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। अब रचना के चरण में क्या करते हैं, P के अलावा वृत्त पर दो बिंदु और लेंगे, Q तथा R, मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ये सब आप लोग पढ़ लिए हैं, सब समझ में आएगा। तो देखिए, हम एक पॉइंट ले लेंगे Q और एक पॉइंट ले लेंगे R। तो पहला काम हो गया कि P के अलावा दो बिंदु और लेंगे, Q और R। फिर दूसरा नंबर पर क्या करेंगे, PQ QR RP को मिला दिया, PQ QR
आरपी को मिलाया तो सबको मिला दिया जाता है। तो हम पी क्यू को मिला दिए, क्यू आर को मिला दिए, आरपी को मिला दिए, पी क्यू क्यू आर आरपी को मिलाया। नंबर तीन, नंबर तीन क्या करते हैं कि अब यहाँ पर एक कोण बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक एक रेखा बनाते हैं एक्स वाई, लेकिन यह जो रेखा एक्स वाई बनाते हैं इसमें कंडीशन क्या है कि जो यहाँ एक एंगल बनाते हैं इसके बराबर बनाते हैं, इसके बराबर यहाँ कोण बनाते हैं, और कोण बनाते हुए जब रेखा खींचते हैं तो ऑटोमेटिक स्पर्श रेखा बन जाती है। अब क्यों ऐसा होता है, थोड़ा सा मैं पहले रीज़न आपको बता दूँ कि इस कोण के बराबर ही यहाँ कोण बनाते हैं और रेखा खींचते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पर्शी बन जाती है, स्पर्शी खुद बन जाती है। तो ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि ये जीवा होती है और ये स्पर्श बिंदु पर ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण ये जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है, इसीलिए इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाते हैं। तो बस यही काम है, अब हमको इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनानी है। तो कैसे स्तंभ करेंगे, कोण के बराबर कोण कैसे बनता है आप छः सात में पढ़े होंगे। क्या करते हैं, एक चाप यहाँ आप खींचते हैं, वही चाप हिलने न पा, जितना चाप यहाँ लगाएंगे इस रेखा से ऊपर एक ऐसे चाप लगा लेंगे, फिर इस चाप से चाप रेखा से रेखा तक नाप लेंगे, नाप करके इसे कटिंग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जब इस कटिंग को मिलाएंगे तो ये रेखा ऑटोमेटिक टच कर जाती है, ये रेखा हो गई एक्स वाई रेखा, बस यही है, ये हमारी रेखा बन जाती है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पी क्यू पी आर पी को मिलाया, आप कहेंगे बिंदु पी को केंद्र मानकर, पी को केंद्र मानकर एक लाइन का काम हो, पी को केंद्र मानकर किस कोण के बराबर कोण बनाना है, कोण क्यू के बराबर, इसको कोण क्यू को पी क्यू आर कह रहे हैं, कहेंगे कोण पी क्यू आर के बराबर, पी क्यू आर के बराबर कहाँ कोण बनाना है, आर पी के साथ पी को केंद्र मानकर कोण पी क्यू आर के बराबर कोण जीवा आर पी के साथ बनाया, जीवा आर पी के साथ कोण पी क्यू आर के बराबर, लेकिन इसको थोड़ा स्टेटमेंट सुधार लिए जाए, पी को केंद्र मानकर आर पी के साथ, उसको लिख देंगे आर पी के साथ, पहले ही लिख देंगे आर पी के साथ, पी को केंद्र मानकर आर पी के साथ कोण क्यू के बराबर कोण बनाती हुई, कोण पी क्यू आर के बराबर कोण बनाती हुई, कोण पी क्यू आर के बराबर कोण बनाती हुई, कोण बनाती हुई रेखा एक्स वाई खींचा, कोण बनाती हुई रेखा एक्स वाई खींचा। तो ये थोड़ा सुधार करके हमने स्टेटमेंट लिख दिया खींचा, अब यही लिख देंगे यही रेखा एक्स वाई, यही रेखा एक्स वाई ही वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। तो इसके बाद तीसरा आइटम वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, हमारा स्टेटमेंट है वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्शी युग्म की रचना करना, स्पर्शी युग्म शब्द है, चार दो स्पर्श रेखा भी हम लोग बोलते हैं, स्पर्शी युग्म अथवा कह दिया जाए दो स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा की रचना करना, जबकि वृत्त का केंद्र पता रहेगा हमको, जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो,
देखिए इसमें दिया क्या क्या रहेगा, दिया रहेगा एक वृत्त जिसका केंद्र O, एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से, और बिंदु का नाम भी दे देते हैं, एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना है। स्पर्श रेखा युग्म, काने का मतलब दो रेखा, युग्म माने होता है जोड़ा, स्पर्श रेखा युग्म की रचना। ये लेकिन हमको रचना करने वाला एडिंग में लिखेंगे, हम इतना इसको लिखता तथा वृत्त के बाहर एक स्थित बिंदु P है, बस इतना ही। अब रचना करने वाला तो रचना हेडिंग में लिखेंगे, रचना करनी है, ये दूसरे हेडिंग में क्या रचना करनी है, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की, स्पर्श रेखा युग्म की। अब रचना के चरण, तो देखिए हमारी कहानी क्या है, मैं कहानी पहले बता दूं। एक वृत्त दिया रहेगा, इसका रेडियस भी हमको पता रहेगा, रेडियस पता होगा तभी हम खींच पाएंगे, तो रेडियस हमको पता रहेगा। और वृत्त के बाहर एक बिंदु की स्थिति भी पता रहेगी कि वो कितना दूर पर है। हम लोग जनरली सेंटर की बात करते हैं, उससे एक निश्चित दूरी दी जाती है, जब प्रश्न हम मिलेगा तो ये डिस्टेंस भी दिया रहता है, कितनी दूरी पर वो बिंदु P है, ये बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर है, ये हमारा वृत्त का सेंटर O है। तो सवाल हम लोग समझते हैं, वृत्त पर बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु है, स्पर्शी युग्म, स्पर्शी युग्म माने आप देखते हैं तो ऊपर जाता है तो नीचे आता है, इसी का नाम है स्पर्शी युग्म, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, दो ठो दो स्पर्श रेखा की रचना करना। जबकि कंडीशन अब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो, तो वृत्त का केंद्र भी हमने दिखा दिया, बाहर बिंदु दिखा दिया, अब हमको निकालनी है स्पर्श रेखा युग्म की रचना करनी है। चलिए रचना चरण में क्या करते हैं, सर्वप्रथम ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा नंबर एक पर, पहले वृत्त खींचते हैं, सर्वप्रथम ओ केंद्र वाला वृत्त खींचा, पहला काम। दूसरा नंबर ओपी को मिलाया, नंबर दो काम हो गया। तीसरा नंबर हम लोग ओपी का लंबसम अधिभार करते हैं, लंबसम अधिभार आप लोगों को बताया कि ओपी से आधा ये होगा, आधा से अधिक दूरी लेकर के एक इधर से ऐसे चाप लगाते हैं और एक इधर से चाप लगाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे दो चाप लगाते हैं, दोनों चाप एक दूसरे को ऐसे कट करते हैं, जहाँ पर कट करते हैं इंच पट्टी लगा करके इसको सीधा ऐसे हम लोग मिला लेते हैं। तो ये लंबसम अधिभाजन करने की ये प्रक्रिया है जो छोटी कक्षाओं में आप पढ़ें। तो ये बीचों बीच से हमको एक मिडिल पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है, यम बिंदु, ऐसे लंबसम अधिभाजन करने से हमारा पॉइंट यम पता चल जाता है, तो ये आप जानते ही हैं। उसके बाद यम को केंद्र मान करके और यम और रेडियस का एक ऐसे वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त थोड़ा डैश डैश बनाते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको कुछ काम के लिए होती है, ऐसे एक वृत्त हम बनाते हैं। यम को केंद्र मान करके यम पी या यमो रेडियस का ऐसे हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बन गया। यह वृत्त दूसरे वाले वृत्त को, केंद्र वाले वृत्त को ए और बी पर काटता है,
ए और बी पर काटता है, बस यही काम है हमारा। तो पहला काम हमने ये वाला बनाया नंबर वन, दूसरा काम ओपी को मिलाया नंबर दो, तीसरा काम पीओ को व्यास मानकर वृत्त खींचा। तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं ओपी को व्यास मानकर वृत्त खींचा। एक्चुअली ओपी व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास हो गया, ये व्यास है। तो ओपी को व्यास मानकर, इसीलिए मैं ओपी को व्यास लिख रहा हूँ, त्रिज्या की बात नहीं कर रहा हूँ। व्यास मानकर वृत्त खींचा, व्यास मानकर वृत्त खींचा, जो ध्यान दीजिए जो ओ केंद्र वाले वृत्त को ए और बी पर काटता है, जो ओ केंद्र वाले वृत्त को ए तथा बी पर काटता है, ए तथा बी पर काटता है। चलिए तो ए और बी की स्थिति क्लियर हो गई, ए और बी पर काटता है। अब क्या करते हैं, पीए पीबी ओए ओबी को मिलाया। देखिए पहले ओए ओबी को मिलाते हैं, ये ओए हो गया और ये ओबी हो गया इस पट्टी से, और फिर पीए को हम लोग थोड़ा गाढ़ा मिलाते हैं, पीबी को गाढ़ा मिलाते हैं, क्योंकि हमको स्पर्श रेखा इसी के बारे में बताना था। आई हल्का मिलाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या कहेंगे, पहले ओए ओबी को मिलाया नंबर चार, ओए कामा ओबी कामा पीए तथा पीबी, चारों मिला लिए को मिलाया चौथा नंबर। अब लिख देते हैं यही रेखाखंड पीए पीबी अभिष्ट वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, यही पीए तथा पीबी, पीए एंड पीबी ही वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं कहिए चाहे स्पर्श रेखा युग्म कहिए, एक ही चीज बस, इति कृतम। तो ये भी बहुत सिंपल सा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करते हैं। सवाल दिया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। तो पहले एक छोटा सा हम लोग रफ आइडिया फिगर बना देते हैं, एबीसी, एबीसी की रचना करनी है। ए बी 6 दिया है, बी सी 8 दिया है, कोण भी 90 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा बिंदु बी से रेखा ए सी पर लंब बी डी डाला गया है, यहाँ से एक लंब डालेंगे 90-90 बनेगा, ये बी डी लंब है, बी डी लंब है ए सी पर, ठीक है। फिर कह रहा बिंदु बी सी तथा डी से गुजरने वाला वृत्त खींचा, बी सी डी से, यानी एक ऐसे वृत्त खींचना है जो कहाँ से गुजरेगा, बी से सी से और डी से, ये हमको खींचना है। और ए से इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, ए से यहाँ स्पर्श भी खींचेंगे। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, आइए इसको हम लोग करते हैं। तो जैसा कि रफ आइडिया आप देख रहे हैं, बी सी हमारा 8 सेंटीमीटर, तो हम सर्वप्रथम बी सी खींचेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु बी को केंद्र मान करके और 90 डिग्री का एंगल आपको तरीका बता दिए कैसे बनता है, 90 डिग्री का एक कोण बनाती हुई रेखा एक नाम दे देंगे, बी एफ से किरण खींच लेंगे, फिर इसमें 6 का कटिंग लगा देंगे, तो 6 का एक चाप काटा, बिंदु ए प्राप्त हो गया, फिर ए से सी को हम मिला देंगे, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर है, त्रिभुज बन गया। अब बी से हमको ए सी पर लंब डालना जिसका नाम है बी डी। तो आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे लंब कैसे डालते हैं, वो कहानी आप पढ़े हैं। मैं एक बार पूरा कहानी दोहरा देता हूँ, अगर किसी पॉइंट से किसी रेखा पर लंब डालनी हो तो कैसे डालते हैं, तरीका मैं बता रहा हूँ। ये तरीका यह है, ये भी रेखा और ये बिंदु पी से इस पर लंब डालना। तो कुछ लोग सोचते होंगे कैसे इस पट्टी से सीधा मिला दिया जाए, लेकिन सीधा का मतलब होता है वो अंदाज़ा, तो अंदाज़ा आपका गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए सीधा मैनुअली नहीं मिलाते, इसका एक मेथड होता है बनाने का। वो मेथड क्या है कि एक प्रकार लेते हैं और यहाँ से इस रेखा पर ऐसे दो चाप लगाते हैं, एक इधर से और एक इधर से, दो चाप लगा देते हैं। अब इस वाले चाप से आधे से अधिक दूरी लेकर के कटिंग इधर बनाते हैं और उसी से इधर से कटिंग काट देते हैं, ऐसे दो कटिंग बनता है।
अब इंच पट्टी से इसको इसको मिला देते हैं ऑटोमेटिकली ये 90 डिग्री आपको यहाँ मिल जाएगा, मतलब ये बाहर चाप जाता है। और जब इसको इससे हम मिलाते हैं तो ऑटोमेटिक आप इसको चांदे से नापेंगे तो 90 डिग्री आपको मिलेगा, उसी को लंब कहते हैं। तो चलिए अब बी से हमको एसी पर लंब डालना, तो क्या करेंगे कैसे, यहाँ से एक निश्चित चाप लेंगे और दो कटिंग काटेंगे इस रेखा में, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, दो कटिंग हो गया। अब इस कटिंग से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऐसे और एक यहाँ से ऐसे, फिर इसको बी को इस पॉइंट से इंच पट्टी लगा देंगे, ऑटोमेटिक मिला देंगे ऐसे सीधा, तो आपको ऑटोमेटिकली देखिए लग भी रहा है 90 डिग्री, एकदम चौकोर लग रहा है, तो 90 डिग्री ऑटोमेटिक बन जाता है। तो बी से हमने एसी पर लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया गया डी, बी डी लंब हो गया, ये भी कहानी हो गई। अब हमको एक ऐसा वृत्त खींचना है जो बी से डी से सी से तीनों से होके जाएगा, बी से डी से सी से तीनों से होकर जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। इस तरह का रचना आप लोग 6 में किए होंगे, 6 में 7 में 8 में नहीं किए हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ। इसको कहते हैं कोई त्रिभुज का परिवृत्त, ये त्रिभुज है और एक ऐसा वृत्त बनाया जाए जो यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए। तो इसका तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तीन भुजा जो होती है ये बी सी, एक ए बी, एक बी सी, एक सी ए, तो हम लोग भुजा का लम्स विभाजन करते हैं। लम्स विभाजन आप जानते हैं ऐसे आधे से अधिक दूरी लेकर के यहाँ से काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर ये लाइन बनेगी। इसी तरह इसका भी लम्स विभाजन करते हैं, तो इसका भी लम्स विभाजन करते हैं। दो भुजा का लम्स विभाजन करते हैं तो जो रेखा कहीं कहीं काटती रहेगी, एक ये वाला रेखा है, एक ये वाला रेखा, ये दोनों यहाँ काटती है। तो यहाँ से जब एक को हम मिला करके खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सी से भी जाएगा और वो बी से भी होके जाएगा, ऐसा होता ही। आप घर पर ऐसा करिएगा, एक अटेंडर त्रिभुज बना लीजिए, लंबाई कोई मतलब नहीं है, इसका लंब विभाजन बनाइए और एक दूसरे का इसका चाहे इसका किसी का बना लेंगे लंब विभाजन, इसका बना देते हैं। इसको जब मिलाएंगे तो जहाँ कटिंग मिलेगा उस कटिंग से कोई चाहे इससे इसकी दूरी लीजिए, चाहे इससे इसको आप ऑटोमेटिकली, ये सब चीज़ की दूरियाँ बराबर होती हैं, ऐसा ही बनता ही है। ये दूरी अपने आप इक्वल आती है और जब इक्वल आएगी तो आप वृत्त बनाएंगे तो वो रेडियस बन जाएगा, ये सेंटर बन जाता है, तो सेंटर से परिधि दूरी बराबर होती है। तो ऐसा सिचुएशन ये गणित में बनता है कि ये दूरी बराबर आती है, इधर मिलाएंगे तो ये बराबर होगा, सब रेडियस बन जाएगा। तो इसलिए वृत्त यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं ये जो त्रिभुज बन रहा है चूँकि हमको वो बी सी डी वाला हमको बनाना है, ये से कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसका लंब विभाजन कर लिया जाए। लंब विभाजन करने आप लोगों को क्लियर हो गया कैसे होता है, आए किसका मैं कर देता हूँ लंब विभाजन, दो का करने पर ये दोनों ऐसा सिचुएशन बनेगा किस भुजा पर ही आएगा, इस भुजा पर ये काटेंगे, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अर्धवृत्त में बनता है, ये रेखा व्यास बनेगी, देखिए ऐसे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे और ऐसे हम खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली सी से और एक व्यास बनेगा, ये काफ़ी वृत्त नीचे जाएगा, आधा नीचे होगा और आधा ऊपर, ऐसे बनेंगे, ऐसे वृत्त बन जाएगा। तो ये ऐसे वृत्त बन गया। चलिए अब हमको यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचनी है, तो मैं इसको लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कैसे कैसे हम लोग काम किया है। तो सर्वप्रथम क्या हो गया, नंबर वन रचना के चरण, नंबर वन में हम लोग पहले बी सी खींचे थे 8 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बी सी खींचा, पहला काम हो गया। नंबर दो, बी को केंद्र मानकर 90 अनुसार कोण बनाती है, बनाती हुई किरण एक खींचा, इसको 60 में लिख दें, ऐसे भी लिखते हैं 60 में बी सी लंब एक खींचा। आप इसे स्टेटमेंट में कहेंगे तो कहेंगे बी को केंद्र मान करके 90 अनुसार कोण बनाती हुई रेखा चा किरण बी एक्स खींचा, तो यही चीज़ है 60 तरीका। अब नंबर तीन में बी एक्स किरण में बिंदु ए 6 सेंटीमीटर का एक काटे हैं, 6 सेंटीमीटर कट किए, तो कहेंगे बी ए, कहेंगे बी एक्स में, 60 में लिख रहा हूँ, बी एक्स में
BA 6 सेंटीमीटर का काटा है, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा है, BX या जो BX AX पॉइंट है, AX में माना हूँ कि BX हो गया, इसमें BA कितना काटे हैं, 6 सेंटीमीटर का चाप काटा, चलिए हो गया। नंबर 4 में क्या किया है, AC को मिलाया, AC को मिलाया। नंबर 5 में अब हमको त्रिभुज तो बन गया, अब ये लंब डाले हैं, तो लंब डाले हैं, तो लंब डालना भी मैं लिख दे रहा हूँ, BD लंब AC डाला, BD लंब AC खींचा या डाला है, पीछे खींचा, ये भी काम हो गया। नंबर 6, अब हम वृत्त बनाए हैं, तो वृत्त कैसे बना है, तो हम कहेंगे BD तथा BC का लंब समद्विभाजक किया, ये हमारा 5वां हो गया, BD लंब AC डाला। उसके बाद 6वां पॉइंट है, BD तथा BC का लंब समद्विभाजक किया, BD तथा BC का लंब समद्विभाजन किया, लंब समद्विभाजन किया जो एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं, जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। अगला नंबर, O को केंद्र मानकर, O को केंद्र मानकर OB या OC त्रिज्या का चाप लेकर, चाहे OB दूरी लें चाहे OC दूरी लें, त्रिज्या का चाप लेकर लेकर वृत्त खींचा। चलिए, तो ये वृत्त की कहानी कंप्लीट हो गई। अब अगली कहानी, एक कहानी आप लोगों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, आगे स्पर्श रेखा कैसे खींचनी है। जब वृत्त हो जाता है, बाहर कोई पॉइंट मिल जाता है हमको, तो हम लोग सेंटर से पहले मिला देते हैं, सेंटर से मिलाने के बाद इसका लंब समद्विभाजन करते हैं, जो पिछली वाली रचना किया है, कैसे ये वृत्त खींचते हैं, फिर ये जहाँ जहाँ काटता है ए और बी पर, वो ए ओ बी को मिलाते हैं, पी ए आई पी ए पी बी को मिलाते हैं, यही स्पर्श रेखा युग्म हो जाता है। तो इसको भी मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, देखिए मैं बता ही दे रहा हूँ। अगला पॉइंट क्या होगा कि मैं ए ओ को मिलाऊंगा, जैसे यहाँ पी ओ को मिलाया जाता है, तो सेंटर से जो वृत्त का सेंटर है उससे बाहरी बिंदु को मिला देते हैं, बाहरी बिंदु पी है, तो हमने मिला दिया। मिलाने के बाद क्या करते हैं, इसका लंब समद्विभाजन करेंगे, इसका ए ओ का, जैसा कि यहाँ किया जाता है, इसका जब लंब समद्विभाजन करेंगे, और लंब समद्विभाजन करने के बाद ये कैसे हम वृत्त बनाएंगे, यह वृत्त इस वाले को जहाँ काटेगा उसको मान लेते हैं कोई नाम, यम और यन दे देते हैं, यम और यन, तो अब ये से यम को मिला देंगे और ये से यन को मिला देंगे, यही हमारी फाइनल रचना हो गई। तो आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा, ये कई सवाल में कई सवाल मिक्स कर दिया, कोई बात नहीं है, एक बार अगेन हम लोग इसको कर लेंगे, तो इसको आप लोग नोट करें, घर पर प्रैक्टिस करेंगे, फिर एक बार और कर लिया जाएगा।